हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि ठाकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और फेस्टिवल सीजन में हमारे घर में आए दिन नए नए पकवान और मिठाइयां तो बनती ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दिवाली स्पेशल लेके आई हूँ लच्छेदार मट्ठी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बनाकर 3 या 4 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इस रेसिपी को बनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल लच्छेदार मट्ठी, तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। मेजरमेंट जो की है मैंने वो इस कटोरी के अकॉर्डिंग की है। 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ये हरा धनिया, आप इसकी जगह कस्तूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ जीरा, दरदरा कुटा हुआ धनिया, अजवाइन और नमक, पानी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ढो रेडी करेंगे। अब आटे में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इसको हम हाथ से मसल कर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक। अब हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये जो हरा धनिया है इसको ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, इसको इस तरह से अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए, आटा जो है वो अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। इस तरह से हमें पता चलता है कि इसका मोइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गूंथेंगे। इसको हमने ज़्यादा सख्त नहीं गूंथना है और ना ही ज़्यादा ढीला करना है। डो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से आपने डो जो है वो बनाना है, ना ही तो ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा ढीला। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, आटे को ढके हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए, आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसके इक्वल साइज के पेड़े बनाएंगे, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं। इस तरह से हमने इक्वल साइज के 5 पेड़े जो इनको बना लिया है। अब हम इनको पकाएंगे। अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो है वो चकले पे लगा देंगे। अब हम इसमें इसको चपाती की तरह बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी एक रोटी बनके तैयार है। इसकी जो थिकनेस है हमने इस तरह रखनी है जैसे हम चपाती के लिए रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसी तरह हम बाकी पेड़े जो हैं उनको भी बेल लेंगे। इस तरह से हमने 5 रोटियां बना ली हैं। अब हम इस पे चम्मच की हेल्प से ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से इस पे फैला देना है। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने जो दूसरी रोटी है इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देना है, इस तरह से। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से हम इस पे घी या ऑयल जो उसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से हाथ से इसको अच्छी तरह से फैला लें। अब ये जो तीसरी रोटी है इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। चौथी रोटी को भी हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इस पे ऑयल अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने 5 रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से टाइटली रोल करेंगे। इस तरह से इसको हम हाथों से चला देंगे। अब हम इसको इक्वल साइज में इसके जो है पेड़े काट देंगे। अब इस तरह से हम ये एक एक लोई उठाएंगे, हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। इनको हम साइड में कर देते हैं। अब हम इसको बेलन की हेल्प से हल्का हल्का बेल देंगे। देखिए, हमने इसको इस साइज का बेलना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरह हम सारे पेड़ों को अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पेड़ों से मट्ठियों को जो बेल लिया है। अब हम सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे और बाकी मट्ठियां जो है उनको भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने लो मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और इनको भी हमने लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। ये देखिए, ऑयल में बबल्स आ रहे हैं, इट मींस कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, अदरवाइज ये क्या है, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अच्छी तरह से हमने इनको पलट देना है, इनको हमने अच्छी तरह से उलटते पलटते रहना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अगर हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे तो बाहर से तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगी, लेकिन बीच से कच्ची रह जाएंगी और ज़्यादा करारी भी नहीं बनेंगी। ये वाला बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सारी लच्छेदार मट्ठियों को फ्राई कर लेंगे। हमारा जो लास्ट बैच है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी लच्छेदार मट्ठियां जो बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी हुई हैं। ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।